हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ मोटो का एक सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। इसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा बेस्ट मिलेगा। सो गाइस, मोबाइल का नाम है मोटो S30 न्यू स्मार्टफोन। सो गाइस, ये 5G होने वाला है। पहले तो ये मोटो S30 लाइट के नाम से आने वाला था, लेकिन अब नाम चेंज हो चुका है। सो गाइस, मोटो का 7 सितंबर को लॉन्च इवेंट होने वाला है। उसमें आपको 4 न्यू स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे मोटो की तरफ से। मोटो लॉन्च करने वाला है 3 आपको एज सीरीज के देखने के लिए मिलेंगे और 1 आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, वो चारों स्मार्टफोन आपको 7 अगस्त को देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ मोटो S30 न्यू स्मार्टफोन के बारे में। ये आपको 20,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस मोबाइल में आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, कंफर्म स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, सारे वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, अगर चैनल पे न्यू तो लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मोटो S30 न्यू लाइट मोबाइल के डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल के बारे में। डिजाइन बिल्ड मटेरियल में मोबाइल सुपर होने वाला है। इसमें आपको जो डिजाइन बिल्ड मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, फुल प्लास्टिक होने वाला है। प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा, फ्रेम में आपको फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल ओवर इसका डिजाइन बिल्ड मटेरियल आपको अच्छा मिल जाएगा। बैक लुक में आपको काफी बेस्ट लुक प्रोवाइड कराता है। सो इसके बैक साइड में टॉप लाइट में आपको 2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा LED फ्लैश लाइट के साथ। डाउन साइड मोटो की ब्रांडिंग होगी। फ्रंट में आपको सेंटर पंचो डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको IP52 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। वाटर रिपेलेंट डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा। डिजाइन बिल्ड मटेरियल मोबाइल का काफी बेस्ट निकल के आता है। सो गाइस, इसमें आपको जो कलर देखने के लिए मिलेगा, आपको 4 कलर देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, व्हाइट, 4 कलर देखने के लिए मिल जाएगा। मोबाइल डिजाइन बिल्ड मटेरियल अच्छा मिल जाता है, लुक काफी अच्छा मिल जाता है। सो इसके डिस्प्ले की तरफ देख लेते हैं और इसके डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा 6.28 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला POLED पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले काफी कॉम्पैक्ट डिस्प्ले होने वाला है। डिस्प्ले आपको थोड़ा छोटा देखने के लिए मिलेगा। इन हैंड फील के लिए मोबाइल काफी बेस्ट होने वाला है। सो डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ। सो इसमें आपको 20:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने के लिए मिल जाएगा। 409 PPI पिक्सल डेंसिटी देखने के लिए मिल जाएगी। इसमें आपको वाइड 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ऑनलाइन कंटेंट वाचिंग के लिए बेस्ट होने वाला है। HD में आपको मस्त कंटेंट वाचिंग निकाल सकते हो। सो इसमें आपको जो ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगा, 800 nits की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। इनडोर आउटडोर विजिबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है। इसका डिस्प्ले ब्राइट होने वाला है। सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके डिस्प्ले में। सो गाइस, इसमें आपको जो गेमिंग के लिए मिल जाएगा रिफ्रेश रेट, इसमें आपको मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा। डिस्प्ले काफी बेस्ट होने वाला है, कंटेंट वाचिंग के लिए और गेमिंग के लिए काफी तगड़ा होने वाला है। और इसके परफॉर्मेंस की तरफ देख लेते हैं। इसके परफॉर्मेंस में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला 5G चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। पहले कहा जा रहा था ये आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अभी वो कंफर्म हो चुका है। इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला 5G चिपसेट देखने के लिए मिलेगा। 8nm फैब्रिकेशन के साथ आता है। सो इसमें आपको जो CPU GPU देखने के लिए मिलते हैं अच्छे मिलते हैं। इसके CPU में आपको मिल जाएगा 2.2 GHz पीक क्लॉक स्पीड के साथ आएगा। ग्राफिक्स में आपको Adreno 619 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। CPU GPU में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसमें आपको LPDDR4X RAM देखने के लिए मिल जाएगा। UFS 2.2 का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। मोबाइल काफी बेस्ट है, इसमें आपको काफी अच्छे खासे 5G बैंड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 लाख प्लस आपको अंतुतु स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। कंटेंट वाचिंग अगर कंटेंट क्रिएटर हो और गेमिंग के लिए मोबाइल बेस्ट होने वाला है। सो गाइस, इसके कैमरे की बात कर लेते हैं। बैक में आपको 2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सो आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल जाएगा। कैमरा सेटअप आपको बेस्ट मिल जा रहा है। कैमरे में आपको थोड़ा भी कमी या देखने के लिए नहीं मिलेगा। मोटो का कैमरा है तो काफी बेस्ट आपको इमेज कैप्चरिंग प्रोवाइड कराता है। सो जो इसमें आपको चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, ये चिपसेट सपोर्ट करता है 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग। सो इसमें आपको 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला चिपसेट देखने के लिए मिलेगा तो ये आपको वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी प्रोवाइड नहीं कराएगा, लेकिन इसमें आपको अच्छा खासा चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। 1080 30fps से बैक से फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा सेटअप भी इसका सुपर होने वाला है। इमेज कैप्चरिंग में भी आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस, इसके बैटरी की तरफ देख लेते हैं। आपको यहाँ थोड़ी छोटी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि मोबाइल काफी छोटा है, लाइट वेट एंड स्लिम के साथ आ रहा है। सो इसमें आपको बैटरी छोटी देखने के लिए मिल जाएगी। 4200mAh की छोटी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी। 33W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। डिसेंट है, फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। USB टाइप सी के साथ इसमें आपको 3.5mm जैक देखने के लिए मिल जाएगा। कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको 50-50 चांसेस है। यहाँ आपको डबल स्टूडियो स्पीकर साइज से देखने के लिए मिल सकता है। सो मोबाइल काफी अच्छा है, छोटे मोटे सारे स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल में अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इसके अदर सेंसर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, जायरो,
एनएफसी सारे सेंसर देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा, एक सिम एक मेमोरी यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सो ए मोबाइल एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, और माई यूएस का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, स्टॉक एंड्रॉइड का फील देगा, यूआई ब्रॉडवेयर एड सभी क्लीन देखने के लिए मिल जाएगा इस मोबाइल में। सो गाइस मोबाइल काफी सुपर होने वाला है, इसमें आपको सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल जा रहे हैं, डिपेंड करता है इस प्राइस पॉइंट पे ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस इसके वेरिएंट की बात कर लेते हैं, आपको दो वेरिएंट कंफर्म देखने के लिए मिल जाएगा, 6128 8128 दो वेरिएंट आपको कंफर्म देखने के लिए मिलेगा, और बेस वेरिएंट का प्राइस स्टार्ट हो सकता है 20,000 से। जी हां गाइस 20,000 से इसका प्राइसिंग स्टार्ट होगा। सो 20,000 में मोबाइल काफी अच्छा है, मोबाइल में आपको सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल जा रहा है, और इसमें आपको OIS का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इस मोबाइल का प्राइस आपको 20,000 देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस 20,000 में मोबाइल काफी बेस्ट है, कैमरा सेटअप काफी सुपर है, डिस्प्ले परफॉर्मेंस थोड़ा डिसेंट मिल जाता है, लेकिन आपको सारे स्पेसिफिकेशन आपको अच्छे मिल जाते हैं। ये मोबाइल इंडिया में बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा, इस मोबाइल का आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो 20,000 के रेंज में, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इसको भी आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में इस मोबाइल के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दिया है, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।